अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो इसमें हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें हमें वैल्यू दी हुई है ए की। ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है 1, 2, 0 एंड 1, और उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है वो है 1, 1, 2 एंड 0 बेटे। तो हमने वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये तो बेटे वेरी सिंपल है, इसमें अगर हम ए प्लस बी को पहले ऐड कर लेंगे और बाद में इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे और बी का ट्रांसपोज लेंगे और बाद में इसको ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी ऐसा ही होगा कि ए माइनस बी, ए और बी को पहले माइनस कर लेंगे और फिर बाद में उसका ट्रांसपोज लेंगे, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि हम पहले ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा बेटे। क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो ये वाला होगा, इसका थर्ड पार्ट, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब देखिए बेटे, ए हमारे पास क्या है 1, 2, 0 एंड 1, और बेटे इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रांसपोज में क्या हम करेंगे, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं बेटे 1, 0, जैसे ये हमारा कॉलम था, ये वाला हमारा कॉलम था, हम इसको रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से 2 एंड 1, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं बेटे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन दी हुई है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये बेटे होगा ए की वैल्यू 1, 2, 0, 1, और ट्रांसपोज की वैल्यू जो है ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1, 0, 2 एंड 1। तो बेटे देखिएगा 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, 1 प्लस 1 बेटे। तो ये बेटे हमारा जो आंसर होगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 जो है वो 2। तो ये बेटे हमारा जो आंसर आया है वो आया है 2, एवरी एलिमेंट जो है वो 2 है। और अगर हम इसका अब ट्रांसपोज लेते हैं, तो अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेटे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ भी अगर आते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि अगर आप उसके ट्रांसपोज को, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसमें कोई चेंज ना आए, तो वो हमारा जो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमने जो वो ये क्लियर कर लिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है जी बेटे, अब उसमें स्क्यू सिमेट्रिक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में हम ये देखते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमने जो ए लिया था हमारा क्या था, मैं इसी क्वेश्चन से जो वो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1, 2, 0, 1 और माइनस ए ट्रांसपोज वो था 1, 0, 2 एंड 1 बेटे। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1 बेटे। तो हमारा आंसर होगा 0, 2 माइनस 2 एंड 0 बेटे। ये बेटे हमारे पास आंसर आ गया। और अगर बेटे हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा, 0 माइनस 2, 2 एंड 0। तो इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो रहा है, ये वाला जो मैट्रिक्स था देखें 0, 2 और यहाँ पे 0, माइनस 2, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे +2 और यहाँ पे 0 और 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लेने से उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए, उसको हम जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेटा ये इसी तरह से हमारी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, तो ये इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है और इसको जो है अपने नोट्स में जो है कॉपी कर लेना है इंशाल्लाह ताला। ये इस एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके बेटे सारे क्वेश्चन जो है आप नोट्स में इसको जो कॉपी कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, जो सैटरडे को कॉपीज चेक होंगे। जजाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम।